हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीखो हिंदी में। और आज हम बताने वाले हैं कि आप एमवी मास्टर एप्लीकेशन कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको हर चीज़ बताऊंगा, छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है पर आप इसे पूरा यूज़ करना सीख जाएंगे। तो सबसे पहले आपको इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपके पास याला ऑप्शन आता होगा। तो यहाँ पे आपको जो यहाँ पे इसका खास फीचर यह है कि यहाँ पे आपको जो ये प्रीव्यू दिखा रहा है, जैसे कि फ़ोटो है लड़की की, यहाँ पे आप इसे हटा के अपनी फ़ोटो लगा सकते हैं। यहाँ पे आपको कई फिल्टर्स मिल जाएंगे, जैसे कि यह है एक गिलास वाला, ये यहाँ पे वाइन भर रहा है। तो यहाँ पे लड़की की फ़ोटो आ गई है, इसकी जगह आप अपना फ़ोटो लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो मुझे ये स्केच वाला पसंद है कि जो स्केच बनाता है, तो हम इसे यूज़ करेंगे। आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे हैं। तो हम स्केच वाले पे आते हैं, नीचे यूज़ ऑप्शन आपको दिखाई देगा, इस पर टच कर लीजिए। इस पर टच करने के बाद आपको अपनी वाली फ़ोटो ले लेनी है जो आप इसमें यूज़ करना चाहते हो। और मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आप कई फिल्टर हैं जिसमें जो फ़ोटोज़ हैं दो या तीन सिलेक्ट करनी होती हैं। तो मैं यहाँ पे एक फ़ोटो ले लेता हूँ नीचे की तरफ से, ये टिकटॉक का। आपको ऊपर एक चौकोर सा बॉक्स दिखाई देगा, इस पर आपको टच करना है। फ़ोटो आ चुका है, आपको प्रीव्यू दिखा देगा, आप इसे क्रॉप वगैरह भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। फिर ऊपर आपको राइट ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको टच करना है। इस पर टच करने के बाद आपको यहाँ पर वीडियो भी दिखाई देगी, आप वीडियो भी लगा सकते हैं। इसके बाद आपको फेस ऑप्शन दिखाई दे जाएगा, यहाँ पे आपकी जो गैलरी है वो फिल्टर करके दिखा देगा, जो फेस वाली वीडियो होगी वो सब दिखा देगा। फिर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा वेट लेगा और यहाँ पे आपको प्रीव्यू दिखा देगा कैसा लगेगा, आप देख सकते हैं। इसके बाद बारी आती है म्यूज़िक की, तो नीचे आपको म्यूज़िक दिखाई देगा, इस पर आपको टच करना है। और आपको एक गाना सुनने को मिलता होगा, तो यहाँ पर आप गाना चेंज कर सकते हैं। जैसे कि सबसे ऊपर लिस्ट बनी हुई है, फेवरेट, ट्रेंडिंग, हिंदी, पंजाबी, तमिल, तेलुगू, मलयालम, मराठी। साथ ही में आपको ऊपर एक सर्च करने का ऑप्शन में मिलेगा, आप यहां से गाने सर्च भी कर सकते हो। तो मैं यहां पे गाना लगाना चाहता हूं, बारिश वाला। मैं इस पर टच करता हूँ, आप इसे यूज़ कर सकते हैं, सुन सकते हैं, पर मैं यहाँ पर गाना बजा के नहीं दिखाऊँगा क्योंकि कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। फिर हम यूज़ पे क्लिक करेंगे तो आप गाना सुन सकते हैं, गाना बैकग्राउंड में चल रहा होगा पर मैं यहाँ पे गाना बजा के नहीं दिखाऊंगा। इसके बाद बारी आती है कॉर्ड्स की, तो आपने देखा होगा कि किसी की वीडियो पे कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं, तो आप उसे यहाँ से लिख सकते हो। सबसे पहले रैंडम, यहाँ पर आप इसे लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हो कि आप क्या क्या डालना चाहते हो उसके अंदर। जैसे कि यहाँ पर ऊपर आपको लिस्ट मिल जाएगी, लव, लव के ऊपर कुछ लाइन्स लिखी हुई है, लाइफ के ऊपर लाइन लिखी हुई है, पॉजिटिव, एबिलिटी, फ्रेंडशिप। तो यहाँ पे हम लव यूज़ करेंगे, ये लिखा है यू आर व्हाट आई नीड इन माय लाइफ। हम इस पर टच करेंगे। इस पर टच करने के बाद यहाँ पे लिखा है यू आर व्हाट आई नीड, यहाँ पे लिखा आ जाएगा नीचे की तरफ। यहाँ पे रैंडम वाले पर अगर आप टच करते हैं तो यहाँ पर ये थोड़ा इसका जो चेंजिंग है वो हो जाएगी, कोई भी अपना भी डल जाएगा, मतलब अपने यहाँ पर कोई भी सिलेक्ट कर लेगा। फिर आप इसे स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं इसका, जैसे कि इसका फॉन्ट, आने का स्टाइल वगैरह सब कुछ चेंज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे चेंज करेंगे ये, जैसे कि देखिए आपको इसे घूमता हुआ दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद आपको बैक करना है और बैक करना है। फिर यहाँ पे आपको बीट्स ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इस पर टच करना है। यहाँ पर आप कुछ भी मतलब डिजाइन लगा सकते हो, जैसे किसी का हैप्पी बर्थडे है तो यहाँ पर आप हैप्पी बर्थडे लगा सकते हो। अगर यहाँ पे होली है तो होली लगा सकते हो, तो अगर यहाँ पे आप लव लगाना चाहते हो तो लव भी लगा सकते हो। यहाँ पे लव भी मिल जाएगा, फ्रेंडशिप भी मिल जाएगी। तो हम लगाना चाहते हैं यहाँ पे हार्ट शेप, तो हमें हार्ट शेप हमारा पीछे था, ये लव, हम इसे यूज़ करेंगे। और आप देख सकते हैं कि पीछे ब्लिंक कर रहा है, कि जो कि एक अच्छा लग रहा है। फिर हम बैक करेंगे, यहाँ पर लास्ट में मिलेगा आपको मैजिक, मैजिक पर आपको टच करना है। यहाँ पे आपको कुछ फिल्टर्स मिल जाएंगे, जैसे कि कुछ फिल्टर्स होते हैं आप इसे यूज़ करके देख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इसे यूज़ करूँगा
तो यहाँ पे जो वीडियो है हमारी उसके पीछे से हर्ट हल्के हल्के आपको शायद दिखाई दे रहे हों। मैं इसे चेंज भी कर सकता हूँ, यहाँ पे और भी मिल जाएंगे मुझे। तो यहाँ पे ये चेंज हो गया हैप्पी न्यू ईयर, मैं इसे यूज़ नहीं करूँगा। फिल्टर से यहाँ पे, तो हम यहाँ पे फिल्टर इस्तेमाल करेंगे, थोड़े कलर वगैरह चेंज भी कर सकते हैं हम। मास्क हम यहाँ पे कुछ और लगा देते हैं क्योंकि हैप्पी न्यू ईयर अच्छा नहीं लग रहा, हमने लगा दिया है। इसके बाद ऊपर दिखाई देगा आपको क्वालिटी, तो यहाँ पे आपको क्वालिटी इसकी सिलेक्ट कर लेनी है कि आप कौन सी क्वालिटी में चाहते हो। तो यहाँ पे हाई क्वालिटी ऑटोमेटिक सिलेक्ट रहती है, ओके पे आपको क्लिक कर देना है, एक्सपोर्ट पे आपको टच करना है, और आपकी जो वीडियो है ये आपने क्रिएट करी है वो आपकी गैलरी में सेव होने के लिए तैयार हो जाएगी। यहाँ पे हमारी जो वीडियो है गैलरी में सेव हो गई है, आप इसे सेव एंड पब्लिश भी कर सकते हो, हम सेव पे क्लिक करते हैं। तो यही थी मेन सेटिंग जो मैं आपको बताना चाहता था और आप इसे यूज़ करना चाहते होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।